गुड इवनिंग। आज हम करेंगे चैप्टर वन की एक्सरसाइज नंबर 1.4 और इस एक्सरसाइज के अंदर से आपका क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और पूरे चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज है, आप ये भी मान के चलो। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर वन इसमें यूज होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। जैसे कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आपको पता है कैसे लिखा जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 5/2 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, आपको पता ही है ना। 7/5 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम अगर बात करें 3/13 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आप ये बताओ, अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है इस रैशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे। 5/2 सबको पता है कितना होता है, 2.5 होता है। 7 को 5 से आप डिवाइड करते हो, मैंने आपको बता रखा है नीचे 10 बना लो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे भी, तो कितना आ गया 14/10 यानी कि 1.4। तो यानी 7/5 कितना होता है, 1.4 होता है। ऐसे ही 3/13 को देखो, हम ऐसे तो नहीं बना सकते कि 2 का 5 बना ले या 5 का 2 बना ले, 13 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना हम किसी भी नंबर को। जैसे स्टार्टिंग में नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो, 0 यहाँ चढ़ा दो, ठीक है। 13 2 जा कितना होता है, 26। फिर क्या है, 4। फिर 13 3 जा कितना होता है आपका, 39। फिर 1 बचेगा, 1 0 उतार सकते हैं, फिर भी नहीं जा रहा, 1 0 और लगा दो, 13 7 जा 91। फिर 9 बचेगा, ऐसे क्या है बच्चों, चलता रहेगा इस तरह से। ये डेसिमल एक्सपेंशन होती है इसकी। ये क्या होती है बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, या तो क्या होती है टर्मिनेटिंग होती है, या क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे कि डेसिमल के बाद, आप देखो इसके अंदर सिर्फ डेसिमल के बाद कितना डिजिट आया, एक डिजिट आया, और एक डिजिट जैसे ही आया ये एक्सपेंशन क्या होगी बच्चों, खत्म होगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक डिजिट आया, ये एक्सपेंशन क्या होगी, खत्म होगी, है ना। यहाँ पे लेकिन देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 चार डिजिट आ गए और अब भी ये खत्म नहीं हुई, आगे भी हो सकता है ये 10 डिजिट 20 डिजिट और आ जाए। तो ये दो तरह की होती है क्या, एक टर्मिनेटिंग होती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है। आप ये तो समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब टर्मिनेटिंग होती है और कब नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग कब होगी, टर्मिनेटिंग कब होगी और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगी, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगी। टर्मिनेट का मतलब समझते हो, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। जैसे आप कभी मेट्रो में बैठे हो तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि दिस ट्रेन टर्मिनेट्स हेयर। जैसे मान लो ट्रेन का जो सबसे लास्ट स्टेशन है ना, वो मान लो ये द्वारका है, तो द्वारका जाके ट्रेन से आवाज़ आएगी दिस ट्रेन टर्मिनेट्स हेयर, मतलब ये यहाँ पे ट्रेन खत्म होती है, मतलब कि आगे नहीं जाएगी, जो भी अपनी बिलोंगिंग्स है अपना सामान है वो साथ लेके जाए। तो ऐसे ही मतलब कि टर्मिनेट होगी ये डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि खत्म हो जाएगी। डेसिमल के बाद हो सकता है एक डिजिट आए, हो सकता है 2 3 4 5 कितने भी आए, लेकिन खत्म पक्का होंगे। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी खत्म होंगे ही नहीं। चाहे आप अपनी कॉपी के 10 पेज भर दो, 20 पेज भर दो, कभी भी ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होगी। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि देख कर हम कैसे बता सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होगी या नहीं होगी, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर ओनली। आपको पता है एक रैशनल नंबर का एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल किसका है, डिनोमिनेटर का। किसका रोल है बच्चों, डिनोमिनेटर का। अगर डिनोमिनेटर के जब हम फैक्टर बनाते हैं, डिनोमिनेटर के क्या बना लो आप, फैक्टर्स बना लो, इसके क्या बना लो बच्चों, फैक्टर्स बना लो, प्राइम फैक्टर्स बना लो, है ना, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में अगर आपको 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिले, ठीक है, या तो 2 अकेला हो या 5 अकेला हो या 2 और 5 दोनों आ जाए, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई नंबर आ गया ना, तब वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए बच्चों, 2 और 5 और बोथ 2 एंड 5, समझ गए आप। या तो 2 हो अकेला, या अकेला 5 हो, या दोनों हो, चल जाएंगे, मतलब 2 और 5 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब का क्या होगी है, टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 एंड 5 के अलावा कोई नंबर आ गया तब क्या होगी बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब कि कभी भी खत्म नहीं होगी ये, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 13/25, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को देखोगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ 25 के,
कितना हो गया, 5 × 5। अब आप मेरे को बताओ क्या 5 × 5, इसमें 5 और 2 के अलावा कुछ आया है? कुछ भी नहीं आया ना, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन पता है क्या होगी? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे 13/25 है, आपको पता है अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 हो जाएगा, फिर ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, यानी कि 52/100 है, और 52 को 100 से डिवाइड करते हो तो कितना आ गया, 0.52। देखो कितने डिजिट के बाद ख़त्म होगी ये, 2 के बाद, हो सकता है 1 के बाद ख़त्म हो, 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, चाहे 10 के बाद हो, लेकिन ख़त्म पक्का हो जाएगी। कब? अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 या दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई भी नंबर ना आए। लेकिन अगर मान लो 2 और 5 के अलावा आ गया, मैं ये कहता हूँ कि 13/75 आ गया, कितना आ गया बच्चों, 13/75। तो आप देखो 75 के फैक्टर बनाओ, कितना होता है 3, 3 5 जा 15, और 15 5 जा कितना होता है, 75। अब आप देखना इसमें तो 5 तो आया है, आया 2 और 5 तो अलाउ है, अलाउडेड है, लेकिन इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। ये क्या आ गया, अदर देन, ये क्या आ गया बच्चों, अदर देन 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा आ गया ना कोई नंबर, तब ये डेसिमल पता है कैसी कैसी होगी, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आप इसको कितना भी डिवाइड करते जाना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मैं करके दिखाऊँ इसको डिवाइड, 13/75 को देखो डिवाइड करके दिखाता हूँ, 13 को डिवाइड करोगे किससे, 75 से, करना अब बताओ, पहले तो ये जा ही नहीं रहा ना पूरा पूरा, तो क्या करो एक 0 पॉइंट लिख दो, 75 1 जा 25 और 30 55, फिर 0 लगाओगे 75, फिर कितने बजाएगा, देखो शायद आपका 7 पे चला जाएगा, है ना, 7 पे चला जाएगा, यहाँ पे 5 लिखो, सॉरी 1 पे गया ना, 7 पे करोगे 75 जा 35, और 77 जा 49, और 52, ये फिर कितना बच गया, 25 बच गया, फिर 0 आएगा, फिर किस पे जाएगा, ये 7, ये 3 पे चला जाएगा, 35 जा, और ये आपका कितना आ गया, 73 जा, ये 225, फिर कितना बच गया, 25 बच गया, फिर ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 225 आएगा, फिर 25 बचेगा 0, फिर 3 पे जाएगा। देखो आप ये बताओ क्या कभी ये एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगी? हर बार ऐसा ही चलेगा कि 25 है, फिर चलता रहेगा ना, ख़त्म नहीं हुई ना, तो ये ख़त्म नहीं होगी। क्यों नहीं हुई ख़त्म ये, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा 3 इंक्लूड हो गया था, ठीक है, ये 3 इंक्लूड हो गया था, इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म होगी या नहीं होगी, और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है। तो बच्चा ये सोचता है कि फिर तो आसान है, सिर्फ हमारे को डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं, उसमें देख लेंगे 2 आएगा या 5 आएगा, उसके अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करेंगे, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, लिख लो, सबसे पहले डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर, या फिर आप ये मान लो जो भी रैशनल नंबर है, जो भी आपका रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में करना है बच्चों, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर में कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, कैंसिल करेंगे, फिर देन फैक्टराइज करेंगे हम, देन फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे 6/15 आ गया क्वेश्चन, और सिर्फ आपसे ये पूछा है इसका आंसर 1 नंबर में कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, आपको सिर्फ इस पे या इस पे टिक करना है, तो बताओ किस पे टिक करोगे। कोई बच्चा सोचेगा कि 15 जो है ना, 15 तो होता है 3 × 5, और सर ने तो बताया था कि 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर दिख जाए ना तो इसको बोल देना क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक बात आप भूल गए, मैंने एक रूल और भी बताया आपको आज, कि पहले क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म में क्या 6/15 कोई नंबर काट नहीं रहा, दोनों को काट रहे हैं ना, 3 काट रहे हैं, 3 2 जा 3 5 जा, देखो अब तो ये 2/5 बच गई, और 2 को 5 से डिवाइड तो कोई भी बच्चा कर सकता है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से, 4/10, और 4/10 क्या होता है, 0.4, ये तो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, देखो एक ही डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगी ये, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, जिसका आंसर कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो फिर ये तो भ्रम में पड़ गए ना आप, लेकिन आपको अगर ये चीज़ पता होगा पहले से कि सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए ना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग,
आपका ध्यान जाएगा कहाँ पे कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर ध्यान नहीं गया तो 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज़ क्वेश्चन में डालता ही डालता है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर डाल देगा ताकि बच्चा क्या है वहाँ पे मिस्टेक कर दे। तो समझ गए, आपको मिस्टेक नहीं करनी, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद फैक्टराइज कर लेना। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो पता लग गया नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, टर्मिनेटिंग कब होता है। अब आपको मैं बात बताता हूँ रैशनल नंबर की खासियत। ये रैशनल नंबर है, इसका एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि रैशनल नंबर कैसे बिहेव करता है, रैशनल नंबर कैसे बिहेव करता है। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी ना, या तो क्या होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी, या तो क्या होगी बच्चों, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी तो आएंगे जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। कैसे होगी बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। जैसे नीचे 13 आया था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें टर्मिनेट नहीं हुई थी ना, कभी तक चलाते रहना आप, उसको खत्म नहीं होगी। क्यों, नीचे 13 आ गया, ऊपर मान लो 75 है, तो ये कट तो रहा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसकी खास बात है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी ना तो क्या होगी, ये रिपीटिंग होगी। क्या होगी बच्चों, रिपीटिंग होगी। रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि चलती जाएगी और कभी भी आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें देखना आप जरा कि ये क्या है, 1 7 फिर 3 फिर 3 फिर 3। आप बताओ क्या आगे हर जगह 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा, क्योंकि देखो हर बार आपका 250 बचेगा, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, हर बार 225 आएगा, हर बार 25 रिमाइंडर बचेगा, 0 उतारेंगे। तो बताओ ये तो 3 3 चल रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, 3 जो डिजिट है ना वो क्या होगा बच्चों, रिपीट होगा। तो यही खास बात है रैशनल नंबर की, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुई तो वो पक्का क्या होगी, रिपीट होगी। क्या होगी बच्चों, पक्का रिपीट होगी। अगर ऐसा हो गया ना कि ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, कोई ऐसा नंबर, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन अब आपको समझ आएगी कैसा होता है। एक ऐसा नंबर विच इज नीदर टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट तो होगी ही नहीं, नीदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग, नोर रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उसको तो क्या बोल देंगे हम, इरेशनल नंबर बोल देंगे। अगर रैशनल नंबर है तो आप ये समझ लेना, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ही हो जाएगी, टर्मिनेट होगी तो फिर तो कोई आगे क्वेश्चन बनता ही नहीं, अगर टर्मिनेट नहीं हुई ना तो पक्का वो रिपीट होगी। क्योंकि ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, ना ही रिपीटिंग होगी, उनको रैशनल नंबर बोलते ही नहीं, उनको तो क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर आप ये कहोगे सर एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो हमारे को जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो ना नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चा सोचेगा क्या ऐसा एग्जाम्पल दे दूँ, क्या ऐसा एग्जाम्पल दे दूँ, ये लो 37 दे दिया, क्या 9/101 का एग्जाम्पल दे दूँ। मैं कहता हूँ ये जितने भी नंबर आपने एग्जाम्पल दिए हैं ये तो सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये तो सारे के सारे आप किसके एग्जाम्पल दे रहे हो, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल दे रहे हो ना आप। किसके है बच्चों, ये रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है। रैशनल नंबर में ऐसा कैसे हो सकता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो ना रिपीटिंग हो, है ना, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ऐसा तो कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर की शक्ल कैसी होती है। इरेशनल नंबर्स, कोई एक इरेशनल नंबर बताना, रूट टू होता है, रूट थ्री होता है, रूट फाइव होता है, रूट सिक्स होता है। ये जो नंबर होते हैं ना बच्चों, ये इरेशनल होते हैं। इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी ना वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये रूट टू की वैल्यू निकालते कैसे हैं। अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा हो कि किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वो कैसे निकालते थे, 2 लिखो अंदर, क्योंकि 2 का स्क्वेयर रूट निकालना चाहते हो, 2 किस पे जाएगा बताओ, 1 × 1, 1 लिख दो, फिर क्या बच गया आपका, 1 बच गया। अब क्या करते थे, 2 0 और यहाँ पे पेयर उतारते थे 2 0 का, ठीक है, फिर इनको ऐड करो 2, अब यहाँ पे 4 लिखोगे, 24 4 96, और यहाँ पे भी 4 लिखोगे, ये बच गया 4, फिर ये उतारेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। मैं सिर्फ निकाल के दिखा रहा हूँ, मेथड आपको समझना इतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 आएगा, 281, ये बचेगा आपका 119,
फिर हम दो जीरो उतारेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे हम इसको, मान लो ये फोर पे चला जाएगा आपका, फोर पे जाएगा तो ये फोर पे चला जाएगा, ठीक है, फोर पे जाएगा 16 और ये आएगा आपका 5 और ये आएगा आपका 112, ये ऐसे फोर पे चला जाएगा। अब पता है क्या है, ये आगे जैसे चलेगा ना ये रिपीट नहीं होगी। अब ऐसे मत समझना कि ये 41 आ गया तो यहाँ पे भी 41 आ जाएगा, फिर आगे भी 41 आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ना तो रिपीट होगी और कभी ख़त्म तो होगी ही नहीं, तो ये क्या होगी पता है, नॉन टर्मिनेटिंग। आप निकाल के देख लेना, चाहे 10 स्टेप तक निकाल के देख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही होगी। क्यों? क्योंकि हम रूट टू को क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर की तो खासियत होती है कि वो ना तो टर्मिनेट होगी उसकी एक्सपेंशन और ना ही वो रिपीटिंग होगी। तो समझ गए आप इसका वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ना टर्मिनेट होगा ना ही आपका ये रिपीट होगा। टर्मिनेट कब होगा मैंने आपको बता दिया, कब टर्मिनेट होगा बस आप ये बता दो कब टर्मिनेट होगा, कौन सा रूल लगाओगे, डिनोमिनेटर वाला। डिनोमिनेटर में क्या आता है, सिर्फ 2 एंड 5 है ना। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग जब 2 एंड 5 के अलावा कोई नंबर आएगा, ठीक है। ये हो गया, बस आज के लेक्चर में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूँ, एक नंबर है 2.39393939 और डैश 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 डैश, आपसे पेपर में सिर्फ ये पूछा गया है कि ये नंबर, क्योंकि एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रैशनल है कि इरेशनल है। बच्चा जैसे ही देखेगा ना कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेट ही नहीं हो रही, डैश डैश का मतलब आगे चलती रहेगी, वो इरेशनल पे टिक कर देगा, जो कि क्या है, गलत है। क्यों? ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही लेकिन रिपीट तो हो रही है ना। देखो ये 39 जो डिजिट है ना वो रिपीट हो रहा है बार 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 बार, दो डिजिट का नंबर है ये, 39 फिर 39 आएगा, फिर 39 फिर 39। इसको पता है कैसे लिखते हैं, 2.39। देखो 39 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार। इसका मतलब जो 39 है ना वो बार बार रिपीट होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये इरेशनल नहीं है बल्कि ये क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है। इरेशनल तो वो होता है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। जैसे 2.30300, ये फेमस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर देता है बच्चों को, ये क्वेश्चन है। अब बता दो ये आपका रैशनल है कि इरेशनल है। इसमें देखना क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ना, क्या ये रिपीट हो रही है। बच्चा सोचता है हाँ ये रिपीट हो रही है, कहाँ रिपीट हो रही है बताओ, ये तो 30 है, ये 300 है, ये 3000 है, ये 3 के बाद 4 0 है, इसका मतलब आगे 3 के बाद कितनी जीरो आएगी, 5 0। कहाँ रिपीट हो रही है बताओ, एक जैसा नंबर कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा। तो ये क्या है बताओ, इरेशनल नंबर। क्या है बच्चों ये, इरेशनल नंबर। तो आपको पहचान होगी कि ऐसे क्वेश्चन भी अगर पेपर में आ गए तो कब वो रैशनल होंगे और कब इरेशनल होंगे। तो ये बात होगी, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी या नहीं होगी, इतनी बात तो शायद आपको सबको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, देन हाउ टू फाइंड इट। यानी कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपने कह दिया कि यस इट इज टर्मिनेटिंग, तो एग्जामिनर पता है आपको क्या बोलेगा, तुरंत बोलेगा कि चलो अगर टर्मिनेटिंग होगी ना तो आप मेरे को निकाल के दिखाओ कि वो होगी क्या, एक्सपेंशन क्या होगी। जैसे उसने एक क्वेश्चन दे दिया आपको 3/5, आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, नीचे 10 बना लेते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे भी और ऊपर भी, 6/10 आ गया, आंसर कितना आ गया, 0.6। एग्जामिनर ने आपको कहा कि बच्चों मेरे को चेक करके बताओ कि क्या इस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नहीं होगी। आपने झट से डिनोमिनेटर को देखा और इसके बेस पे कह दिया कि सर ये तो टर्मिनेटिंग होगी पक्का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने बताया था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तब तक वो टर्मिनेटिंग रहेगी, इसमें तो 5 ही है सिर्फ। फिर मैंने ये कहा कि चलो अब आपने ये कह दिया कि टर्मिनेटिंग है तो फिर उसको निकाल के भी दिखाओ, और आपने इसको निकाल के दिखा दिया, कितनी आ गई, 0.6। लेकिन किसी बच्चे को मान लो नहीं आता कि नीचे 10 बनाना है, याद नहीं आया, तब भी आप 3 को 5 से डिवाइड तो कर ही सकते हो ना। कैसे करोगे, शुरू में ही आपको 0 लेनी पड़ेगी है ना, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, और अब क्या होता है बताओ, 5 6 30 और ये क्या बच गया आपका, देखो वही 0.6 आएगा। मतलब कि सीधा भी आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर नीचे 10 100 1000 10000 बनाओगे ना तो क्वेश्चन आपके लिए बच्चों आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूँ
कि बताओ मेरे को 39/25 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। आप तुरंत कह दोगे ये तो 5 × 5 है, तो क्या है बच्चों बताओ, टर्मिनेटिंग है। लेकिन मैं सिर्फ वहीं नहीं रुकूंगा कि आपने टर्मिनेटिंग बता दी और क्वेश्चन खत्म, नहीं। मैं कहता हूँ अगर टर्मिनेटिंग है ना, फिर वो डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल के बताओ। तो कोई बच्चा कहेगा कि 25 को तो मुझे पता है अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो 100 बन जाएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया आपका 156/100 यानी कि 1.56। आंसर आ गया बच्चों आपका कितना 1.56। तो आपको क्या करना है, हमेशा अगर टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर के अंदर आप क्या बनाओगे, या तो 10 बनाओगे या 100 बनाओगे या 1000, 10,000 ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 17/20 बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है। 20 क्या होता है, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये एक्सपेंशन कैसी मिलेगी आपको, टर्मिनेटिंग मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, टर्मिनेटिंग मिलेगी। तो टर्मिनेटिंग है तो फिर इसको बनाने की कोशिश की जाए। आप खुद देखो 20 से किसको मल्टीप्लाई करें कि ऐसा कुछ बन जाए 10, 100, 1000। आपको पता है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो ये कितना आएगा आपका 0.85 आ गया ना आंसर। यानी कि ये छोटी छोटी बातें, 20, 25 है, 5 है, 2 है, इनके बारे में तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम जल्दी निकालेंगे। देखो अगर डिनोमिनेटर में 2 आ गया, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो उसके साथ 5 और चाहिए। उसके साथ अपने को क्या चाहिए बच्चों, 5। क्यों चाहिए मेरे को, क्योंकि 2 और 5 मिलके मल्टीप्लाई होके 10 बन जाएगा, है ना। और 5 आ गया, अगर डिनोमिनेटर में 5 आ गया तो हमें उसके साथ क्या चाहिए बच्चों, 2 चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था 17/20 था, 20 तो चलो छोटा नंबर था, आपने सोच लिया कि 5 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे वो 100 बन जाएगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया तो आप कैसे करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे। इसके फैक्टर क्या है बच्चों, 2 × 2 × 5, नो डाउट यही फैक्टर है। अब आप क्या करो, जो 2 और 5 है ना, जो पेयर में बन रहा है उसको तो आप छोड़ दो, क्योंकि ये 2 × 5 तो मिलके 10 बन जाएगा, और 10 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए। बात इसकी वजह से प्रॉब्लम है, ये अकेला 2 है, ये 2 कहता है अगर मेरे को भी आप एक 5 दे दोगे ना तो मैं भी 10 बन जाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन को आपको आसान बना के दे दूंगा। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, दे देंगे तुम्हारे को भी 5, ये 2 × 5 तो है ही लास्ट वाला। अब अगर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कितना आ गया 85। नीचे देखो 2 × 5 = 10 और ये 2 × 5 = 10, 85/100 अब तो बना लोगे ना 0.85। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर में 2 अकेला बच गया तो उसके साथ 5 बना लो, और 5 अकेला बच गया तो उसके साथ क्या बना लो बच्चों, आप 2 बना लो, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि अगर क्वेश्चन ये होता तब हम क्या करते, अगर क्वेश्चन क्या होता बच्चों 40 होता फिर क्या करते। मैं कहता हूँ 40 के फैक्टर तो बनाओ, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8×5 = क्या होता है 40, बन गए। अब क्या करेंगे हम बताओ मेरे को, ये 5×2 = 10 होता है, जो पहले से ही 10 हो रहा है ना उसको मत छेड़ो, ठीक है, इसको करे रखो ऐसे। कैसे, बात इनकी है, ये 2 कहेगा मेरे को भी एक 5 चाहिए, ये 2 कहेगा एक 5 मेरे को भी चाहिए, है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, अपने को दोनों को एक एक 5 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक को दे देंगे तो फिर दूसरा समस्या करेगा, इसलिए हमारे को बच्चों क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक एक 5 देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, दे देंगे दोनों को, एक 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह से एक 5 को इस दूसरे वाले 2 को कर दो, और ये जो तीसरे वाला है ना ये पेयर, ये तो पहले का जैसे था वैसे ही रहेगा, इसने कुछ नहीं मांगा अपने से, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ मैंने 2 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करे ना तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, 17 × 25 करोगे तो आपका आएगा 4 × 25, नीचे कितना आगे बताओ, ये 10, ये 10, ये 10, यानी कि 4×25/1000, इसका आंसर कितना आएगा 0.45 आएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ तो बताओ, आप बता दोगे क्या, वही तरीका, फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद आप क्या बनाओ, नीचे 10 बना लो, जो 2 है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो 5 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जाएगा, 100% बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा पूछे कि सर अगर क्वेश्चन आ गया 13/ मान लेते हैं 81 आ गया, तो इसकी अगर डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रही तब हम कैसे करेंगे, 81 ना तो इस पे कटता, और 81 तो आपको पता है 3 × 3 × 3 × 3 होता है ना, 3 की पावर 4 होता है ये, तो हम फिर कैसे 10 बनाए नीचे। मैं कहता हूँ
पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि डेसिमल एक्सपेंशन बनाओ, वो किसकी पूछा जाएगा? ओनली फॉर टर्मिनेटिंग। सिर्फ जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसी के बारे में आपसे कहा जाएगा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ। समझ गए आप मेरी बात? ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। आप क्या लिख लो, ये नहीं आएगा एग्जाम में, बस ये बात है। और टर्मिनेटिंग होगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर में पक्का 2 और 5 मिलेंगे, और 2 और 5 मिलने के बाद तो फिर हम उसको 10 बनाना जानते ही हैं। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये 5 की कुछ पावर लिख लो। देखो 5 की पावर 2 सबको पता है कितना होता है, 25। 5 की पावर 3 भी कई बच्चों को पता होता है कितना होता है, 125। पहले से ही अगर ये चीज़ें लिख के रखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान होएगा। ये कितना होता है, 25। ये भी कितना होता है, 25। 25 × 25 कितना होता है, 625। एक और याद रख लो बस, 5 की पावर 5, क्योंकि ये कई बार काम आता है। ठीक है, ये होता है आपका 3125। क्यों? 5 की पावर 5 का क्या मतलब है, जो 625 है उसको एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 3125 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो पेपर के अंदर क्वेश्चन ये आ गया 3/3125, ये कहेगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो आप सीधा भी डिवाइड कर सकते हो 3 को 3125 से, पॉइंट ऑफ आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, बच्चे कई बार उसमें मिस्टेक कर देते हैं, कोई पॉइंट गलत जगह पे लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं कहता हूँ यही तरीका अपनाया करो, आपको तुरंत 3125 देखते ही पता लग जाएगा कि ये तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तब आ जाएगा, है ना। अब आप मेरे को बताओ नीचे अपने को क्या बनाना है, 10 बनाना है। क्या कहीं 2 दिख रहा है आपको? कहीं पर भी नहीं दिख रहा, मतलब कि हर 5 भिखारी बन के अपने पास आएगा और कहेगा मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए। इस 5 को 2 देंगे तो फिर ऊपर वाला भी 2 मांगेगा, है ना, ये लो कर दिया। इस 5 के लिए 2 देंगे, एक ऊपर वाले को 2 देना पड़ेगा। इस 5 के लिए 2 देंगे, ऊपर वाले के लिए देना पड़ेगा, है ना। इस 5 के लिए 2, एक ऊपर 2 एक नीचे 2। इस 5 के लिए 2, एक ऊपर 2 एक नीचे 2। समझ गए? तो ऊपर बताना क्या हो गया आप मेरे को। ये 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 को 3 से करोगे 96। नीचे 5 की पावर कितनी, 5 और 2 कितनी कितनी बार है, देखो 1 5 1 2 मिलके क्या बनाता है, 10 बनाता है ना। ऐसे ये 5 और ये 2 10 बनाता है, 1 0 और लग जाएगी, ऐसे 1 0 यहाँ पे लग जाएगी, ऐसे 1 0 यहाँ पे लग जाएगी, और 1 0 इसके लिए लग जाएगी, मतलब 5 0 होगी ना, क्योंकि 5 पेयर बनेंगे। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, 96 लिख के 5 0 है तो 1 2 3 4 5 और फिर पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 0 लगा दो, बेशक 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, ये वाली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा। तो कैसे पता लगा मेरे को तुरंत, क्योंकि मैंने पहले ही सीख रखा है कि 3125 तक 5 की पावर 5 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 5 की पावर 5। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता लगेगा, बड़े से बड़ा जो आएगा ना वो इतना ही पूछ सकता है, और इससे भी बड़ा आ गया तो फिर अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड तो है ही ना। मैंने आपको सिखाया है लास्ट एक्सरसाइज में कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो आई थिंक सब बच्चों को बात क्लियर होगी। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये मैं बाद में कराऊंगा आपको, पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें ये कहता है 1.4 एक्सरसाइज में, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, इसका मतलब ये है कि डिवाइड करे बिना, आपको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करे बिना बताओ, स्टेट का मतलब टेल, बताओ, सिर्फ आपको बताना है, क्या बताना है, वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो मैंने क्या कहा था, नंबर तो ये सारे रैशनल ही है ना, या तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी, अगर नॉन टर्मिनेट होगी तो फिर वो रिपीटिंग जरूर होगी, है ना। तो आपको बताना है कैसे बताएंगे, बताओ क्या क्या स्टेप है। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये नहीं किया तो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या कहा था मैंने, फैक्टर बनाएंगे, किसके फैक्टर्स बनाओ, किसके बच्चों, सिर्फ डिनोमिनेटर के, न्यूमिनेटर को नहीं देखना, वो परेशान नहीं करेगा अपने को। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर। पहला क्वेश्चन जैसे ही कोई बच्चा देखेगा, आपसे पूछा गया है डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, उसने देखा कि सर ने अभी बताया था 3125 में तो सारे 5 ही 5 आते हैं ना, तो बस आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा ही इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बता देना बच्चों, टर्मिनेटिंग। कैसी बताओगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने क्या कहा था,
अगर आपने टीचर को ये हिंट दे दिया ना कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मान लो टीचर को पता नहीं, आपने बता दिया सर टर्मिनेटिंग है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, तो टीचर तुरंत आपको बोलेगा क्या कि बच्चों इसको आप क्या करो डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकाल के भी दिखानी पड़ेगी। जो आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें ये कहा गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहता है जो क्वेश्चन वन में मैंने 10 पार्ट दिए हैं ना अलग अलग से, उसमें से कुछ रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, लेकिन कुछ की होगी। जिनकी टर्मिनेटिंग है ना उनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ। तो पहला क्वेश्चन है इसकी टर्मिनेटिंग है, क्या था क्वेश्चन, 13/3125 था। अब ये कहता है इसकी एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ, हम दिखा देंगे निकाल के। नीचे बताओ 5 है ये, है ना, तो नीचे अपने को कितने 2 चाहिए कि बताओ, 5 बार चाहिए ना, ऊपर भी फिर 5 बार बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे और नीचे भी 5 बार बनाने पड़ेंगे, 2 ऐसे कर देंगे। ऊपर कितना बनेगा बताओ, 13 × 2 ये 32 होता है, और नीचे है ना आपको बनाने नहीं है ऐसे, बस 5 × 2 कितना होता है आपको पता है, 10 होता है। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 5 बनेंगे, तो एक के आगे 5 0 लगा देना, है ना ये। और 32 को 13 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल बात है ही नहीं किसी भी बच्चे के लिए, कितनी आएगी 416। 416 को 1 लाख से डिवाइड करोगे 0.00416 आ जाएगा आंसर। ये अब क्वेश्चन आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। मैंने ये भी बता दिया कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे कैसे, मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में अपना क्वेश्चन है 17/8, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 8 के फैक्टर बनाओ आप, 8 तो क्या होता है, 1 मिनट बचो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 हो गया, तो इसमें तो 2 और 5 के अलावा कुछ आया नहीं ना, सो हम क्या लिखेंगे 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी होगी बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। अभी फिर क्या बताया था मैंने, अगर आपने कह दिया कि टर्मिनेटिंग है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के भी दिखानी पड़ेगी। तो निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो टर्मिनेटिंग है 17/8, 8 के फैक्टर आपने क्या बनाए 2 × 2 × 2। मैंने क्या बताया था, अगर 2 अकेला आ गया तो वो क्या मांगेगा आपसे 5, और 5 अकेला आ गया तो क्या मांगेगा 2, दोनों आ जाएंगे तो कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। अब ये 3 2 आ गए, तो एक 2 ये वाला 2 5 मांगेगा तो इसको दे देंगे एक ऊपर भी, ऐसे ये 5 ये 5, ऐसे इसके साथ एक 5 तो एक 5 ऊपर भी, है ना। ऊपर क्या बन गया 17 × आपका 125 बन गया, और नीचे देखो कितने पेयर बन गए 2 और 5 के, 3 बन गए ना, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। 17 को 125 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, है ना, कोई भी बच्चा कर लेगा। वो कितना आएगा आपका 2125, और नीचे कितना है 1000, नीचे 3 0 है ना। तो कैसे करते हैं, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3, 3 डिजिट को काउंट करो, वहीं क्या लगा दो डेसिमल, आंसर कितना आ गया आपका 2.125। हाँ अगर ऐसे नहीं करना चाहते ना, और भी तरीका होता है, 17 को डायरेक्ट भी 8 से डिवाइड कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, 8 × 2 = 16, 1 बच गया, 0 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, है ना, तो क्या होएगा 8 × 1 = 8, 2 बच गया 0, 8 × 2 = 16, 4 बच गया 0, 8 × 5 = कितना हो गया 40, बताना डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये यही ना 2.125, और मैंने भी क्या लिखी है 2.125। लेकिन ये तो नंबर छोटा था, अगर नंबर बड़ा आ गया, मान लो आपको लिखा ना आ जाए 2/3125, अब बताना इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हर बच्चा नहीं निकाल पाएगा। मैं कहता हूँ निकाल देंगे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या कर देंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक। पॉइंट अगर मान लो लगाना होगा उसको यहाँ पे 2 0 लगानी होगी, और वो लगा देगा मान लो यहाँ पे 1, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए मैं कहता हूँ रिस्क मत लो, ये मेथड सबसे आसान है, इसमें कोई गलती करेगा ही नहीं बच्चा, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं, कितना है 64/455। पहले तो मेरे को ये बताओ, मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बताया था कि इसको आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, ये कटते हैं क्या, नहीं कटते, कहीं नहीं कटते, ठीक है। तो फिर आप 455 के क्या बना लो, फैक्टर्स बना लो, 5 पे जाएगा ये आ गया, फिर ये तो 7 पे जाता है ना, जिसको टेबल आती है वो तुरंत बता देगा 13 7 91 होता है, यानी कि 455 के तो फैक्टर बन गए 5 × 7 × 13। ना तो ये 7 पे ऊपर वाला नंबर कटता, मान लो ऊपर वाला नंबर 91 होता
तो ये 7 और 30 दोनों कट जाते हैं ना, 5 5 बच जाता नीचे, वो तो क्या हो जाता टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ तो नहीं कट रहे, नहीं कट रहे तो ये क्या है बच्चों बताओ, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग पक्का होगी फिर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी ना फिर एग्जामिनर आपको परेशान नहीं करेगा, फिर कहेगा चलो छोड़ दो अब क्वेश्चन यहीं खत्म करो, फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 15 बाय 1600। सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है इसके अंदर 5 कॉमन है ना, 5 से दोनों कट रहे हैं, ऊपर कितना आ गया 5 3 जा, नीचे 5 3 जा, और ये 320 आएगा, यानी कि 3 बाय 320 कितना आ गया बच्चों, 3 बाय 320 आ गया। अब आगे तो कटेगा नहीं, तो 320 के क्या बना लो फैक्टर बना लो, देखो 320 के फैक्टर 2 पे कटेगा 160, फिर 2 पे कटेगा 80, 2 पे कटेगा 40, 2 पे कटेगा 20, 2 पे 10, 2 पे 5, तो कितना आ गया बताओ, 3 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बताना डिनोमिनेटर में क्या आपको 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये क्या होगी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी टर्मिनेटिंग होगी। ये क्या होगी बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कर लो कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पूछे तो। अब वही बात आ गई, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर निकाल के भी दिखाओ, तो निकालें यही निकाल देता हूँ मैं इसी पेज पे। अब आप मेरे को बताओ कि मेरे को क्या क्या चाहिए, आप बस ये बता दो। देखो ये 2 और 5 तो इकट्ठा पेयर है ना, ये तो आपको परेशान नहीं करेगा, ये तो कहेगा कि हम दोनों आपस में एडजस्ट कर लेंगे 10 बन जाएंगे, लेकिन ये जो 5 2 बच गए ना अकेले, ये परेशान करेंगे, ये कहेंगे हमारे को भी 5 5 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे हम, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये तो क्या बन जाएगा 10। अच्छा अब आसान तरीका बताता हूँ, आप मेरे को बताओ कितने 5 चाहिए अपने को, 5 ना, और 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर अलग अलग मल्टीप्लाई क्यों करें, मैंने बताया था ना इसका आंसर सीधा 3 1 2 5 होता है, और ऐसे ही नीचे 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऊपर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रियल में, नीचे मल्टीप्लाई थोड़े करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 7 5, और ये कितना आ गया 9 3। नीचे तो आपको पता है 5 पेयर तो इनके बनेंगे है ना, और एक ये खुद बैठा है 6 बनेंगे, तो मतलब 6 0 लगा दो बस, नीचे तो मल्टीप्लाई करनी नहीं, ऊपर कितना आएगा 0.00935 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप ये मान के चलो यही है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आपका, नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ गया बच्चों, फिफ्थ पार्ट, 29 बाय 343। 343 के बारे में आपने कभी सुना हो तो आपको पता है ये 7 का क्यूब होता है ना, 7 से डिवाइड करोगे ना ये 49, और फिर 7 से करोगे 7, तो 29 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, ना कोई 7 कट रहा ऊपर से है ना, एक कट भी जाएगा तो 2 तो बैठे ही हैं, तो ये क्या होगी फिर बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो फिर रिपीटिंग पक्का होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो रिपीटिंग होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, क्योंकि वो नंबर तो इरेशनल होते हैं, लेकिन ये सारे नंबर तो क्या है रेशनल है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है इनको। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों सिक्स्थ, सिक्स्थ पार्ट में क्या करेंगे हम, 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये तो देखो ये तो खुद ही इसने बना रखा है, 2 की पावर दे रखी है, 5 की पावर दे रखी है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है ना। अगर सिर्फ यही पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग तो तुरंत बोल देना कैसे है ये बताओ, टर्मिनेटिंग, क्योंकि नीचे 2 कितनी भी बार हो चाहे 50 बार हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना सिर्फ 2 या 5 ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया, मैं क्या बना रहा हूँ अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन। देखो ये 2 कहेगा कि मेरे को 5 की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इसका साथ ले लूँगा, ऐसे ही ये एक और 2 बैठा है ना ये कहेगा मेरे को भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसका साथ ले लूँगा। अब ये 2 कहेगा भाई मेरे को तो 5 चाहिए ना क्योंकि मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं नीचे, तो फिर हम कहेंगे चलो तुम तो अकेले बच गए, एक 5 ऊपर दे दो, और ये 2 और 5 मिलके क्या बना देंगे 10, ऐसे ये 2 और 5 मिलके 10, एक 5 इसको देंगे तो फिर ये 2 और 5 मिलके क्या बना देंगे 10, ऊपर आ गया 115, नीचे 1000, 0.115, समझ गए। डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग, और फिर उसकी एक्सपेंशन निकालनी है, निकाल दोगे बहुत आसानी से। देखो सेवन्थ पार्ट आपका इस क्वेश्चन का, सेवन्थ पार्ट में क्या कहता है इसमें, ये तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 की पावर कितनी भी हो चलेगा, 5 की पावर कितनी भी हो चलेगा, लेकिन 7 परेशान करेगा, और वो भी पता है 7 कितनी बार है। देखो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 7 5 बार आएगा, तो बताओ कहाँ कटेगा ये 7, मान लो एक बार कट भी जाएगा, 2 बार कट भी जाएगा, 3 बार कट भी जाएगा, 5 5 बार कौन काटेगा इसको, है ना, तो ये तो क्या होगी सीधी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग।
और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्वेश्चन क्या हो जाता है बच्चों, खत्म। उसके बाद टीचर आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखो एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 6/15 आ गया है ना। पहले क्या करोगे इसको, पहले क्या करोगे बच्चों, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, 3 पे काटोगे, 3 2 जा 3 5 जा, बच गया 2/5। तो ये पहले तो बताओगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, कैसी है टर्मिनेटिंग, क्योंकि नीचे सिर्फ अकेला 5 है तो टर्मिनेटिंग कर देगा। अब क्या करोगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, एक नीचे 2 बना लो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऊपर कर दो, 4/10 यानी कि 0.4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो नीचे 50 दिख ही रहा है अपने को, और 50 जो नीचे आ गया, तो 50 तो क्या होता है बताओ, 2 × 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, मतलब 2 और 5 के अलावा तो कुछ भी नहीं आया ना, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगी। अगर टर्मिनेटिंग होगी तो आप डेसिमल एक्सपेंशन बना के दिखा दो। कोई भी बच्चा कहेगा सर मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, अगर मैं 50 × 2 कर दूंगा ना तो 100 बन जाएगा, है ना, अपने को तो नीचे 10, 100, 1000 यही तो बनाने हैं। तो ये 1 0 से 1 0 कट गई, 7/10, और 7/10 क्या होता है, 0.7। अब एक बच्चा ऐसे भी सोच रहा होगा कि कोई अगर मान लो 0 से 0 काटना भूल जाए, आपने तो कहा कि 35/50 है, ठीक है, और मैंने नीचे 100 बना दिया तो 70/100 लिख दिया, और मैंने 0 काटने के बजाय मैंने आप वाला रूल लगाया कि 1 2 1 2 ये लगा दिया, तब मैं कहता हूँ ये और ये सेम है, 0.7 0.70 0.700, कितने भी 0 पीछे लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक बच्चा ये कहेगा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 35/50 है ये तो पहले ही कट रहा है 5 पे, तो मैं कहूँगा ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, 5 पे कट रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं, 7/10 आ गया इसका आंसर, तो सीधा ही क्या लिख दो, 0.7। तो कन्फ्यूज मत होना, जैसे आपका मन करे ना वैसे करो, लेकिन आंसर एक ही आएगा सब बच्चों का, आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो आप लास्ट पार्ट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो कुछ पार्ट तो कट रहा है ना, ये 7 पे कटता है मेरे को पता है, 7 3 जा, देखते ही आपको पता लग जाएगा 7 पे कट जाएगा, 7 पे काट दो, 7 3 जा यानी कि 30, और 7 11 जा, ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 30, 30 के फैक्टर बनाओगे तो बच्चों 2 ये 15 जा, और 3 पे काटोगे 5, तो देखो अब कितना आ गया, 2 × 3 × 5, 2 और 5 तो कोई परेशान नहीं करते, लेकिन 3 तो फालतू आ गया ना, ना कट रहा 3, तो ये क्या हो जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म। उसके बाद कोई आपसे कुछ सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और साथ में क्या होगी फिर, वो रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, खत्म क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ करवा दिया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी कि कुछ रियल नंबर है। अच्छा रियल नंबर क्या होते हैं बताओ, रियल नंबर आपके मैंने बताया हुआ आपको कि रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तुम ऐसा मान लो बच्चों, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, एक फैमिली में क्या होते हैं, कुछ मेल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, फीमेल, ये मेल है ये क्या है फीमेल, और मेल और फीमेल मिल के क्या बनती है, फैमिली बनती है मान लो, तो ये रियल नंबर एक फैमिली का नाम है। और उस फैमिली में दो तरह के जो है ना है अपने, दो तरह के सेक्स के लोग हैं, एक मेल है और एक क्या है फीमेल है, तो मेल और फीमेल दोनों को क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स तो बोलेंगे ना, और फैमिली मेंबर्स को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर सारे ही होते हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन अपने को ये दे रखी है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, कहता है हर एक केस में, मतलब पेपर में तो आपके एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन बुक से तो क्या होता है प्रैक्टिस करने के लिए ना आपके, हर एक केस में बताओ ये रैशनल है या नहीं है, क्या बताना है आपको, सिर्फ रैशनल है या फिर नहीं है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन में तो मेरे को है ना दिख ही रहा है, ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेट ही होगी, जब इसने कोई डैश डैश लगाया नहीं, इसका मतलब ये क्या होगी बच्चों, टर्मिनेटिंग होगी ना, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मेरे को दिख रही है कि डेसिमल के बाद कुछ ही तो डिजिट है, और भी होते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टर्मिनेट तो होगी, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज ए रैशनल नंबर, ये तो रैशनल है पक्का, है ना, आपको ये भी बताना है कि रैशनल है या नहीं। देखो लिख रखा है डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये रैशनल नंबर है, क्यों, डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट ही होगी तो उसको तो कोई नहीं कह सकता कि वो नंबर इरेशनल है,
पहला क्वेश्चन तो हो गया खत्म। फिर ये कहता है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। कहता है क्यू के प्राइम फैक्टर्स यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कैसे रहे होंगे। कहता है कोई आप आइडिया लगा सकते हो क्या? मैं कहता हूँ हाँ, मैं आइडिया लगा सकता हूँ। अगर ये टर्मिनेटिंग है ना, तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 रहा होगा और 5 रहा होगा, मतलब कि या कुछ उसकी पावर्स रही होगी। भाई 2 कितनी भी बार आ सकता है, 4 बार, 10 बार, ऐसे है ना। तो क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर मस्ट हैव सम पावर्स ऑफ सम सॉरी एस काट देना सम पावर्स ऑफ 2 and 5 ओनली। यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की कुछ पावर रही होगी। पावर कितनी है, 2 है 4 है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सम पावर्स लिख दिया मैंने, ठीक है, लेकिन 2 and 5 ओनली लिख दिया ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चे को पता है कि 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब देखें सेकेंड पार्ट में क्या है। सेकेंड पार्ट में देखो डैश डैश डॉट लगा रखिए ना, डॉट का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन मैंने क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा पक्का, जिसने नॉन टर्मिनेटिंग बना दिया। लेकिन इसमें एक खास बात और है साथ में, ये है ना आपकी रिपीटिंग भी नहीं है। देखो ये आपका क्या है, देखना 201, ये 201 है, ये 2001 है, ये 20001 है, ऐसे यहाँ पे 2 लैक्स वन आएगा, है ना। मतलब कि 2 के बाद 1 जीरो फिर 1, फिर 2 जीरो फिर 1, फिर 2 के बाद 3 जीरो फिर 1, फिर 2 के बाद 4 जीरो फिर 1। ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग पता है कैसे होती, मान लो 201 201 201 201 201 ऐसे आता, ये रिपीटिंग है। लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये ना तो टर्मिनेट हो रही ना रिपीट हो रही, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ये बच्चों कैसा नंबर है बताओ, इरेशनल है ये पक्का, है ना, क्योंकि जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेटिंग हो ना नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको ही तो क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। अच्छा फिर ये बता दें कि इसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हो, फैक्टर्स के बारे में, है ना। ये क्यों डिनोमिनेटर तो है, हम क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर है ना, द डिनोमिनेटर मस्ट हैव सम पावर्स ऑफ नंबर्स अदर देन टू एंड फाइव। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी किन्हीं नंबर्स की कुछ पावर रही होगी। वो किन्हीं नंबर, एक नंबर भी हो सकता है अकेला, मान लो 3 भी हो सकता है, 3 के साथ कोई 7 भी आ सकता है, कोई 8 जो है ना 3 के साथ मान लो 11 भी आ सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा पक्का रहा होगा कोई ना कोई नंबर तो, जिसकी वजह से इसने ऐसा बिहेव किया, वरना रैशनल नंबर तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। हो गया क्वेश्चन, अब बताओ आप मेरे को क्वेश्चन नंबर थ्री में। अच्छा इसमें है ना आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर ही नहीं है, ये नंबर तो क्या है, इरेशनल है। इरेशनल नंबर का तो फिर डिनोमिनेटर आप बता ही नहीं सकते ना, तो ये आपको नहीं लिखनी, ठीक है। सिर्फ आपको ये लाइन किस में लिखनी है, रैशनल नंबर में, कि रैशनल नंबर में अगर होगा तो डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ आपकी 2 और 5 की कुछ पावर रही होगी, क्योंकि इसने लिखा भी हुआ है। देखो यहाँ पे इसने बच्चों यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है तो आप डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हो, ठीक है। इरेशनल के बारे में कुछ नहीं पूछेगा आपसे कोई कुछ भी। अब ये देखो थर्ड पार्ट में है ना, इसने बार लगा दिया। बार का मतलब पता है क्या होता है, ये सारे के सारे डिजिट क्या होंगे बच्चों, रिपीट होंगे। जैसे 4 3, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि अगली बार भी आगे जब आप इसको सोल्व करोगे ना, फिर वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे फिर सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये चलता रहेगा, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। तो बताना मेरे को ये क्या है, ये क्या है आपकी डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है ना, टर्मिनेट तो नहीं हो रही, बट इट इज रिपीटिंग, ये रिपीट तो हो रही है ना। नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल नंबर होता, लेकिन ये रिपीट तो हो रही है, सो इट इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है,
इट इज ए रैशनल नंबर। अच्छा डिनोमिनेटर फिर कैसा रहा होगा बताओ, टर्मिनेट नहीं हो रही ना, डिनोमिनेटर में पक्का टू और फाइव के अलावा कुछ ना कुछ रहा होगा है ना। सो द डिनोमिनेटर मस्ट हैव सम पावर्स ऑफ नंबर्स, सम पावर्स ऑफ नंबर्स अदर देन टू एंड फाइव। टू और फाइव के अलावा कुछ रहा होगा, तभी तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब टू और फाइव के अलावा कुछ आ जाए तब। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज होगी 4.1.4 खत्म। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जामिनर हो सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। अभी आपने एक क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि सर आपने ये नहीं बताया कि कई बार तो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी आ जाती है, कई बार वो ऐसी आ जाती है, कई बार वो ऐसी आ जाती है, यानी कि कहने का मतलब कई बार तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आता है, कई बार तीन आते हैं, कई बार दो आते हैं, कई बार दस दस भी आ जाते हैं, है ना। जैसे एक आया था क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आया था। तो ये हमें क्या पता लग सकता है क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये पता लग सकता है क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग? जैसे 17/20 था, आप मेरे को बता सकते हो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? बच्चा आराम से बता देगा टर्मिनेटिंग है, क्यों, 20 को वो तुरंत पता लगा लेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो क्या बन जाएगा 100 है ना, और नीचे 100 बन गया, इसका मतलब तो टर्मिनेटिंग है ही, पक्का है टर्मिनेटिंग है। क्या आप मेरे को बिना डिवाइड करे, जैसे इसको डेसिमल बनाए इसकी, तो कैसे बनाएंगे बताओ, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितनी आगे 0.85। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितने हैं बच्चों डेसिमल के बाद? दो डिजिट है ना। अगर मैं कहूं कि डिवाइड करे बिना ही मैं आपको बताना चाहूं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, या आपसे पेपर में पूछ ले कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे और बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए जिसको डिवाइड करना आपके लिए मतलब 2 मिनट आपके खराब कर देगा, तो एक ऐसा तरीका भी है जिसमें सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि डेसिमल खत्म तो हो ही जाएगी है ना, लेकिन उसके बाद कितने डिजिट आएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 17/20 है, 20 के फैक्टर बनाओ, सिर्फ 17 से कोई मतलब नहीं है, 20 20 से मतलब है 2 × 2 × 5। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो देखो होनी ही होनी चाहिए, वो तभी तो हम बताएंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे या 5 आएंगे। टर्मिनेटिंग नहीं होगी तो फिर डेसिमल के बाद तो हजारों लाखों डिजिट आएंगे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये बताओ यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बताओ, 2 है ना, और 5 की पावर कितनी है, 1 है। 2 की पावर कितनी है बच्चों, 2, और 5 की पावर कितनी है, 1। इनमें से हाइएस्ट पावर कौन सी है, इनमें से हाइएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना, यानी कि 2 और 1 में से बड़ा कौन है, 2, तो बड़े की चलेगी हमेशा। तो बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितने आएंगे पता है, 2। जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही डिजिट आएंगे, और ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि इसमें देखो 2 ही डिजिट आते हैं, और मैंने वैसे ही प्रूव कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, अब देखो मान लो ये आ जाए आपका 8/125, 8/125। पहले तो बिना रूल के बताओ, 125 सबको पता है 5 × 5 × 5 होता है ना, मतलब कि ऊपर 2 लगाओ 3 बार और नीचे 3 बार 2 लगाओगे तो ये 1000 बन जाएगा है ना भाई। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 बन जाता है ना, तो 8 8 64 अपॉन 1000, तो कितना आ गया 0.064। आप मेरे को बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए, 3। लेकिन मेरे को सिर्फ डिजिट बताने होते और मैं डेसिमल नहीं निकालना चाहता तब तो भी बता सकता था, कैसे, 8/5 × 5 × 5 ये हो गया। अब फिर वही बताओ इसमें 5 की पावर कितनी है बताओ, 3 है ना, 2 की पावर तो है ही नहीं, 2 की पावर तो 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो मैं लिख सकता हूँ हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स पता है कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वो भी कितने आएंगे बच्चों आपके, 3 आएंगे, और ये मैंने पहले ही आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये भी हम बता सकते हैं कि डेसिमल के बाद डिजिट कितने आएंगे, लेकिन 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 यहाँ पे सोचना मिस्टेक कहाँ होगी, मैं सब आपको बताऊंगा कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया, अगर कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसने, तो आप मिस्टेक कहाँ पे कर सकते हो। एग्जामिनर आपसे पूछेगा 40/125, इसमें बता दो डेसिमल एक्सपेंशन में
टर्मिनेट तो होगी लेकिन कितने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे जिससे वो टर्मिनेट हो जाएगी। बच्चा कहेगा सर ने बता रखा है ये 555 तीन बार, तो तीन पॉइंट लिख देगा वो, है ना, तीन डिजिट, और वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत क्यों हो जाएगा, आप मेरे को पहले प्रूव करके बताओ बिना उस रूल के कि कैसे तीन डिजिट आएंगे। 40/125 है, पहले तो पाँच पे कट रहेगी, है ना, पाँच पे कटने के बाद तो बच्चों ये रह गया 8/25। अब 25 तो इनटू 4 करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो बन गया 32/100। इसका आंसर तो फिर 0.32 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दो ही है। तो फिर ये रूल यहाँ पे भी लागू होगा कि पहले क्या करो, सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, समझ गए आप। ये तो सबसे पहले रूल देखना है आपको कि गिवन नंबर आपको लोएस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है, नहीं है तो करो पहले, नहीं तो रिपीटिंग वाला जो टर्मिनेटिंग वाला है वो भी गलत हो सकता है, और नंबर ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आप गलत कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, अगर चीज़ें जैसे बता रहा हूँ ना वैसे हर चीज़ सीखोगे। और मैं ये भी नहीं है कि पेपर में आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया और आप कहो कि आपने तो बताया नहीं था इसलिए हमारे दिमाग में बात नहीं आई और हम गलत कराए, मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा कि जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या चालाकी खेल सकता है पेपर में, और स्टूडेंट उसमें गलती करता ही करता है। लेकिन जब आप सुन लोगे इस लेक्चर को फिर आपके दिमाग में पहले ही रहेगी कि जब भी टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे सीख के भी अगर एग्जाम में इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हो फिर तो गलती है ना, वो तो हर एक चीज़ में नुकसान करेगा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, एक चैप्टर को पूरा सीख लिया, पर एग्जाम में उन फॉर्मूले को या उस प्रोसेस को ध्यान में नहीं रखा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा, तो गलत तो वहाँ पे भी होगा ना। ऐसे ही इस चीज़ को मैं सिखा रहा हूँ आपको कि लोएस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, आपने सीख भी ली, एग्जाम में अप्लाई नहीं करी तो फिर वहाँ पे भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बच्चों पूरे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज अभी 2022 के सिलेबस में नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज करा दूंगा ताकि और बच्चे जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनके वो काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।